आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद और सीता स्वयंवर का हुआ मंचन। क्षेत्र के बरैनी गांव में रामलीला में पहले दिन बुधवार को धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद और सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया। रामलीला के मंचन के दौरान राजा जनक के दरबार में देश विदेश से आए राजा महाराजा भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए पहुँचते हैं। इस दौरान रामलीला के हास्य कलाकार कपिल देव सिंह उर्फ पंकज द्वारा गुदर नरेश का किरदार निभाया, जिसे देखने आई जनता हंस हंस कर लोटपोट हो गई। राजा जनक की शर्त के अनुसार सभी राजा शिवजी का धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी तोड़ना तो दूर धनुष को उठा भी नहीं पाता। इससे राजा जनक मायूस हो जाते हैं। इस पर राजा जनक कहते हैं कि लगता है कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है। राजा जनक की ये बात लक्ष्मण जी को काफी नागवार लगती है। बाद में गुरु विश्वामित्र का आदेश मिलते ही श्री राम धनुष भंग कर राजा जनक का संकट दूर करते हैं। इसी दौरान शिव धनुष टूटने से क्रोधित हुए भगवान परशुराम राजा जनक के दरबार पहुंचते हैं। उनका लक्ष्मण के साथ तीखा संवाद होता है। अंत में परशुराम भगवान श्री राम के वास्तविक रूप को पहचान जाते हैं और उनकी आराधना कर लौट जाते हैं। तत्पश्चात श्री राम व माता सीता के बीच जयमाल का मंचन किया जाता है। व्यास जी की गद्दी पर दिनेश कुमार उपाध्याय, पात्र राम की भूमिका में हर्षित सिंह, लक्ष्मण सचिन सिंह, सीता ऋषि श्रीवास्तव, रावण अमन सिंह, वानासुर धर्मेंद्र सिंह उर्फ बाबा, जनक विवेक, विश्वामित्र जोगेश उपाध्याय उर्फ आलोक सिंह, अमित कुमार सिंह, दीपक सिंह, गोपाली, धर्मेंद्र, अजय आदि रहे। Finally!
पार्वती जी अपमान अभिमान कहो और पायो फल जा भूषण है न रघुवंश के जिनके प्राण है आधार सौ पछताई है जाय है जानी को हट है तप भात कब की है जात पुकारी कहो सिगरे सुनो यस को जब राम नहीं लुटी है अच्छा आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सबसे आगे।